एक गांव में श्यामू नाम का एक गडरिया रहता था। वह दिन भर जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन उसे जंगल में एक पहाड़ के समीप चमकती हुई कोई वस्तु दिखाई दी। उसने उस वस्तु को उठाया तो जाना कि वह तो हीरा है। श्यामू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत उसे बेचने के लिए नगर के जौहरी के पास जा पहुंचा। जौहरी ने इतना बड़ा हीरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने श्यामू को डांटते हुए कहा, अरे यह तो मेरा खोया हुआ हीरा है, मेरा हीरा चुराकर मुझे ही बेचने चला है, चल चुपचाप भाग यहां से। जौहरी का इतना कहना था कि श्यामू ने तेजी से झपट कर जौहरी के हाथ से हीरा छीन लिया। श्यामू उसकी चालाकी समझ चुका था। दोनों में बहस होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते नगर के राजा तक जा पहुंची। राजा ने उन दोनों को दरबार में बुलवाया। राजा के पूछने पर श्यामू बोला, महाराज यह हीरा मुझे जंगल में एक पहाड़ के समीप पड़ा मिला था। यह जौहरी लालची है, मुझे चोर बताकर हीरा हड़पना चाहता है, अब आप ही न्याय करें। जौहरी ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज भला इतना मूल्यवान हीरा भी किसी को यूं जंगल में पड़ा मिलता है? यह या तो किसी जौहरी के पास होगा या फिर किसी राजा के पास। इसने यह हीरा मेरे ही घर से चुराया है और अब कहानियां बना रहा है। क्या मैं इतना मूढ़ हूं कि जिसके घर चोरी करूं उसी को उसका सामान बेचूं? श्यामू ने जवाब दिया। राजा ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? श्यामू झट से बोल पड़ा, महाराज मेरे पास गवाह है, क्यों ना हम चलकर जंगल वाले पर्वत देवता से पूछें? उन्होंने ही मुझे वहां से हीरा उठाते देखा था। यदि पर्वत देवता मना कर देंगे तो मैं हीरा इस जौहरी को दे दूंगा। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारे पर्वत देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो हीरा राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। श्यामू ने हामी भर दी। वह निश्चिंत था कि पर्वत देवता उसी के पक्ष में निर्णय देंगे। वास्तव में वह पहले भी देख चुका था कि जब वह जंगल में जोर से आवाज लगाता तो उसके आखिरी शब्द पहाड़ों से टकराकर उसे वापस सुनाई देते थे। इसमें जादू या और कोई बात नहीं थी। दूसरे दिन श्यामू राजा और जौहरी को लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे हीरा मिला था। पर्वत देवता का न्याय देखने सारा नगर उमड़ पड़ा था। श्यामू ने हाथ जोड़कर पर्वत देवता को नमन किया, फिर जोर से आवाज लगाई, पर्वत देवता कृपा करके बताइए कि यह हीरा जौहरी का है या श्यामू का? श्यामू का आवाज आई, जिसे लोगों ने साफ साफ सुना। पर्वत देवता यह भी बताइए कि यह हीरा जौहरी को मिलना चाहिए या श्यामू को? श्यामू ने फिर से आवाज लगाई, श्यामू को। पर्वत की ओर से उत्तर मिला। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले श्यामू पर्वत देवता के न्याय की जय जयकार करने लगा। लोग भी उसका साथ देने लगे। जौहरी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। हीरा उसके हाथ से निकल जो चुका था। राजा ने सबके सामने हीरा श्यामू के हाथ में रखते हुए कहा, पर्वत देवता ने सच्चाई बतला दी है, उन्होंने तुम्हें ही इसका अधिकारी माना है, परंतु इस कीमती हीरे को अपने पास रखने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके मूल्य के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। श्यामू भी तो यही चाहता था। उसने राजा को हीरा देकर स्वर्ण मुद्राएं ले ली। बच्चों, आवाज के इस खेल को कोई नहीं समझ पाया, क्या तुम समझ पाए? श्यामू ने बड़ी ही चतुराई से इसका प्रयोग किया था। वह हर बार अपने नाम को अंत में रखकर जोर से बोलता था,
जिससे देर तक अंतिम शब्द ही पहाड़ों से टकराकर गूंजते रहते थे।